जय हिंद दोस्तों गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी रुपेंद्र गुड इवनिंग रोबिन गुड इवनिंग शोभन जय हिंद सभी को ढेर सारा आशीर्वाद ढेर सारा प्यार और बींग अनुज गुड इवनिंग जय हिंद जय हिंद मेरे बच्चे तो हम लोगों ने कहा था आपसे अच्छा ये कोटेशन है हर उस बच्चे के लिए जो लॉकडाउन में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है जिसको लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा है कैसे पढ़ाई करूं क्या पढ़ाई करूं तो मेरा आपको सजेशन है कि आप, आप अपना बेहतरीन देने का प्रयास करें आप अपना बेस्ट बेस्ट से बेस्ट दें हर दिन आपके द्वारा किया गया थोड़ा सा थोड़ा एफर्ट भी एक आपको बेहतर रिजल्ट की तरफ लेकर के जाएगा और जो हम एस की तैयारी करने वाले लोग हैं ये हम सताए हुए लोग हैं एक ऐसा मजदूर जिसको हर मालिक ने धोखा दिया है तो हम लोग वो वाले हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमें जी जान लगा करके नहीं वो जि कहते हैं जिंदगी मुझे जीतने नहीं दे रही और मैं हार नहीं मान रहा हूँ कुछ ऐसा ही है आज भी मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है सेवेंटी फाइव डेज वाला और बाकी वाला तो उसमें बच्चों से मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है तो मैक्सिमम का ये था कि जब से लॉकडाउन हुआ तब से डाउन हो गया उतना कंटिन्यू नहीं बनवा रहा है घर में दिक्कत है तो हालांकि इस पर मैं संडे को बात करने वाला हूँ डिटेल लेकिन मेरा आपको सजेशन है पर्सनली कि आप किसी भी स्थिति में इस बात को यकीन करें स्वीकार करें कि बेरोजगार आदमी का कोई लॉकडाउन वॉकडाउन होता नहीं है हम सबका ऑलरेडी लॉकडाउन है हम ना तो किसी से शादी में अटेंड करने जा पाते हैं ना हम किसी से अपने खुल के अपनी बातों को कह पाते हैं ना हमारे बारे में कोई सोचता होता है ना हमसे कोई उतना बेहतर बात कर रहा होता है इन सभी स्थिति में आप सबको क्या करने की जरूरत है अपना बेस्ट देने की जरूरत है जितना बेहतर आप करेंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट उतना बेहतर आपका आउटपुट होगा चलें ए, सोनू वारू विनोद गुरशीत साहिल सबको नमस्ते राम राम गुड इवनिंग जय हिंद और यदि आप लोग रेडी हों तो हम अगले कुछ एक सवा घंटे आपके साथ बेहतरीन नॉलेज वाइज बात करेंगे नहीं इधर उधर की कोई बात करने के बजाय बाकी आपके मन में कोई डाउट कोई क्वारीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लिया करेंगे जैसे वेन इज द राजीव गांधी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी को कब मनाया जाता है राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी को कब मनाया जाता है यह आपको बताना है राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी को कब मनाया जाता है राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी को कब मनाया जाता है बताइए आपको पता हो कि इसी पार्टिकुलर डेट को 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में तो आपको बताना है कि किस डेट को किस डेट को मनाया जाता है बताइए किस डेट को मनाते हैं आप सबका जवाब सही है दैट इज़ द 21 मई 21 मई को हम मनाते हैं इससे पहले 1984 में इनकी माताजी की डेथ हत्या कर दी गई थी 19 तारीख को 1984 में विच कंट्री है आप जानते हैं कि दलाई लामा अब अपना उत्तराधिकारी चुनने जा रहे हैं तो कहा है कि तब तक हम आपके उत्तराधिकारी को वैल्यू नहीं करेंगे उत्तराधिकारी को वैल्यू नहीं करेंगे जब तक जब तक आप हमसे परमिशन नहीं लेंगे बिना हमारे परमिशन के आप उत्तराधिकारी नहीं रख सकते अब सोच के देखो दलाई लामा का विरोध किसके साथ है दलाई लामा का विरोध किसके साथ है यदि ये आपको पता हो तो आप इसको करने की स्थिति में होंगे तो कौन सा देश है ये चाइना तो ये हमारे काम का क्वेश्चन है कि कौन से दलाई लामा है दलाई दलाई लामा अभी हमारे एक एनवायरमेंटलिस्ट का डेथ हो गया है ड्यू टू कोरोना मैंने कहा था कि हर दिन हमारे कुछ अच्छे लोग हमें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा तो सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है आपने सुना होगा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जहाँ पे लोग पेड़ काट रहे थे तो महिलाओं को उन्होंने मोटिवेट किया और महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी और पेड़ नहीं काट पाते थे और पेड़ों को इन बचाने के लिए ये जाने जाते हैं इसी का एक साउथ इंडियन वर्जन था एपिको मूवमेंट एपिको आंदोलन इसी का साउथ इंडिया का वर्जन चले विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल किस राज्य सरकार ने विधान परिषद बनाने का कह रहे हैं क्यों दलाई लामा का विरोध करते हो वो शांति के पुजारी हैं आपका भाई कितना भी सीधा हो और आपके हिस्से को लेकर के जाए तो आप विरोध करेंगे नहीं करेंगे चाइना तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है और दलाई लामा तिब्बत को स्वतंत्र कराने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं तो चाइना के नज़रों में वो सिवाय आतंकवादी टेररिस्ट कुछ नहीं है अब अभी तक जान रहे हैं आप बिहार यूपी महाराष्ट्र आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मुझे लग रहा है तमिलनाडु बिहार कर्नाटक आंध्र, महाराष्ट्र इन छह जगहों पे था था तो जम्मू कश्मीर में भी खत्म कर दिया गया अब सातवें जगह पर लेजिलेटिव काउंसिल बनाने का प्रपोजल पास किया गया है किसके द्वारा वेस्ट बंगाल के द्वारा जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप समझिए कि सही रास्ते पर है यस लजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का अधिकार किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मल ऑर्डिनरी मेजोरिटी से सामान्य बहुमत से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है लेकिन इसके लिए उस राज्य की विधानसभा को टू थर्ड मेजोरिटी से रिक्वेस्ट डालना होगा चल अगला है साथियों दोस्तों भाइयों और बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब आने वाले टाइम में हम पढ़ा करेंगे कि कुल कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं से शन हैजी डिसाइडेड टू लॉन्च प्लान फॉर ग्लोबल पैनेडेमिक रडार टू डिटेक्ट कोविड नाइन्टीन वेरियंट एन द इमरजिंग डिजीज किस देश ने कोविड नाइन्टीन के वेरियंट और उससे उभरती बीमारियों की जाँच के लिए रडार प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान बनाया है बताइए दीदी ओ दीदी यस पूरी दुनिया जब कोरोना कोरोना कर रही थी तो हमारे वहां लोग दीदी वो दीदी कर रहे थे कौन सा देश साथियों यूके खेला होबे रशिया हैज स्टार्टेड बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विद हेल्प ऑफ विच कंट्री या विच इन विच कंट्री रशिया ने सबसे बड़ा अपना न्यूक्लियर uh, प्रोजेक्ट शुरू करने का लक्ष्य रखा है हमने तो किस देश में या किस देश की मदद से इन विच नेशन चाइना में ये अपने आप में एक बड़ा इवेंट है जब चाइना और रसिया एक साथ मिलकर के किसी बेहतर बेहतर कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी तक ये नेबरिंग थे और इनके बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर कभी मतभेद है लेकिन एक अच्छी और नई शुरुआत हो रही है अब क्या पता रशिया विस्फोट करने का लक्ष्य रख ले साथियों कल हमने पढ़ा था कि श्रीलंका की टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप के लिए फाइनल के लिए हमने सस्पेंड कर दिया है इसको तो ये कहाँ पर होने वाला था ये कहां पर होने वाला था किस जगह पर होने वाला था ये आपको बताना है तो कहां पर होने वाला साथियों श्रीलंका में एशिया कप इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जा रहा है इस बार का इसका थीम क्या है इस बार इसका थीम क्या है थीम क्या है वी आर वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन पार्ट ऑफ सोल्यूशन यह अच्छा क्वेश्चन है कितने तारीख को मनाते हैं हम कितने तारीख को मनाते हैं तो यह हम मनाते हैं साथियों बाईस मई को ट्वेंटी टू मई ट्वेंटी टू मई को हम सेलिब्रेट करते हैं जैसे अनुज ने बताया है कि ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को हम अर्थ डे मनाते हैं अप्रैल को अर्थ डे बिल्कुल सही बात है और ई ए आर टी एच अर्थ डे और 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं वाटर डे जल दिवस है चल। देखो ये अब आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं कॉक्स बाजार इज अ नेचुरल बीच कहाँ पर है दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार कहाँ पर है अब सोच के देखो क्या नेपाल में समुद्र तट होगा जवाब है नहीं क्या इंडिया में है जवाब है नहीं श्रीलंका में तो हमने कभी ऐसा सुना नहीं है बांग्लादेश में हमने सुना नहीं है लेकिन ये दो में तो नहीं होगा अब आपको इन दोनों में दिमाग लगाना है कि कौन सा है हमने हालांकि ये टॉपिक पढ़ाया था लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा पाए थे तो ये कहाँ पर साथियों बांग्लादेश देखो एक बार मैप में ये है कॉक्स बाजार ये बांग्लादेश ये म्यांमार यहाँ तक तो इसी के थ्रू रोहिंग्यास भागे थे यहां से बांग्लादेश यस विच मुगल रूरर परमिटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1613 थर्टीन टू इस्टैब्लिश देयर कंपनी इन सूरत तो दो तरीके से क्वेश्चन आता है कि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी या या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी या किस मुगल सम्राट के परमिशन से किया गया था तो आप जानते हैं कि 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में हॉकिंस आया था और उसके बाद 1615 में थॉमस रो आए थे दो आए थे ये लेकिन 1613 में ही जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का परमिशन दे दिया था दो तरह का क्वेश्चन आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो मुग़ल सम्राट कौन था तो आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में तो इस समय मुगल सम्राट कौन था अकबर लेकिन ये जब भारत आए हैं ये जब भारत में आए हैं तब कौन है यहाँ पर जहांगीर है तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा जहांगीर चलिए अब देखो ये जान बुझ के मैंने ये क्वेश्चन रखा इस क्वेश्चन का अभी कोई लॉजिक नहीं है ये लास्ट लास्ट अकेडमी अवार्ड अकेडमी अवार्ड मीन्स ऑस्कर अवार्ड उन्नीस नाइन्टी सेकेंड अभी इस साल नाइन्टी थर्ड दिया गया है, है ना तो नाइन्टी सेकेंड में बेस्ट मूवी का बेस्ट पिक्चर ऑफ द नाइन्टी सेकेंड अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया गया है तो नाइन्टी सेकेंड बताइए हमने आपको नाइन्टी थर्ड भी बता रखा है हमने आपको नाइन्टी थर्ड भी बता रखा है क्या आपको बताना पड़ेगा तो आपने पढ़ा था कि फर्स्ट नॉन इंग्लिश मूवी थी पैरासाइट्स इसको मिला था और इस बार हमने बताया है आपको नॉमलैंड को मिला है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है ना हॉपकिंस को बेस्ट मूवी हीरो का अवार्ड मिला है किसके लिए द फादर के लिए, लिए. यह अब तक के सबसे अधिक उम्र के बेस्ट हीरो का अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने वाले व्यक्ति हैं फ्रांसिस मैकडोनाल्ड को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नॉर्मलैंड के लिए ही और चो जाओ बिकम द फर्स्ट वूमेन ऑफ कलर टू अवार्डेड बेस्ट डायरेक्टर ऑफ नॉर्मलैंड है ना चल तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट हमने आपको ये दे रखे हैं और हमने आपको कल भी सिखाया था कि यहाँ से लगभग हर पेपर में एक बार क्वेश्चन रहता ही रहता है तो ऑस्कर अवार्ड वाले टॉपिक को आपको जरूर और जरूर और ज़रूर बेहतर तरीके से करने की जरूरत है जरूर और ज़रूर बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है यस yes. अब 92 टू रुपये अब कुछ रुपये में आप घर पे ही कोविड टेस्ट कर पाएंगे ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग टाइम पे चेक नहीं करवा पा रहे हैं और अचानक उनकी डेथ हो जा रही है क्योंकि टाइम पे यदि चेक नहीं होगा चेक नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा इलाज नहीं होगा तो डेथ होगी अब आपको बताना है कि द बोन्स ऑफ द इंक्लूड ह्यूमरस रेडियस उलना कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स आर कहां पर पाए जाते हैं बताइए थोड़ा सा भी बायो का नॉलेज है तो आप इसको कर सकते हैं ये एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है इसका कार्पल्स नीचे वाला हिस्सा मेटाकार्पल्स ये बीच वाला हिस्सा फैलंगस ये ऊपर वाला हिस्सा है ना तो बताइए कहाँ पे पाए जाएंगे अपर लिम्स क्या आप सबके जवाब सही हैं क्या आप सबने सही जवाब दिए हैं फोर लिम्स यस सही जवाब दिए गए हैं ये वाला पॉइंट फोर लंग्स ऊपर वाला मेटा मार्पल्स बीच वाला और कार्पल्स नीचे वाला देख रहे हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक यदि आपने बायो है तो कर सकते हैं ने किस वर्ष एक सत्याग्रह चलाया था, के आया था? आया था आपको पता हो। काला कानून के नाम से काला कानून क्या था साथियों तो इस कानून के तहत सरकार किसी को भी संदेह के आधार पर सस्पिशियस पर्सन को अरेस्ट कर सकती थी कोई भी जैसे आजकल भी बहुत सारे राज्यों ने डिटेंशन लॉ बनाया हुआ है मको का यूपी को का है ना गुजको का हर राज्य में अलग अलग ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट के नाम से चलाया जा रहा है आर्टिकल 22 के एक्सेप्शन के रूप में तो आपको बताना है कि रेला टैक्ट कब आया था तो आप जानते हैं कि रोलाटैक्ट छः अप्रैल 1991 को रोलर टैक्ट के खिलाफ 1919 को रोला टैक्ट के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन चलाया था चले ना अपील ना दलील ना वकील सीधे अरेस्ट देखो ये पढ़ा रखा है द श्योक द गिलगित जास्कर आज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ और जास्कर किसके मेजर ट्रिब्यूटरी हैं हम आपको क्लू दे देते हैं इस इस नदी की उत्पत्ति न तो भारत में होती है ना ही इसका समापन भारत में होता है ये भारत से बाहर उत्पन्न होती है और भारत से बाहर समाप्त होती है ये नदियाँ उस नदियाँ उस, नदिया, उस नदी की राइट ट्रिब्यूटरी हैं ये नदी उस नदी की राइट ट्रिब्यूटरी हैं और इस नदी का जवाब है साथियों इंडस रिवर यदि आप इंडस दे रहे हैं तो आप सही दे रहे हैं इंडस के अलावा कुछ भी आप आंसर कर रहे हैं तो आप गलत हैं गलत हैं गलत हैं चले ये हमने आपको सिखाया था शोक गिलगित कुर्रम जास्कर है ना ये सारा का सारा इसका ये जास्कर ब्यास चिनाब ये सारे के सारे इसके एक्सेप्स एग्जाम्पल्स हैं कुछ लोग ब्रह्मपुत्रा दे रहे हैं इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने रिवर वाले टॉपिक को मेरे साथ डिस्कस नहीं किया था आपने रिवर वाले टॉपिक को मेरे साथ पढ़ा नहीं था यदि रिवर वाले टॉपिक को पढ़े होते तो साथियों दोस्तों ये गलत नहीं करते आप ये हमने डिटेल पढ़ाया था रिवर रिवर टॉपिक चलिए एक अच्छा और आसान सा क्वेश्चन आर एक्ट को पार्लियामेंट ने कब परमिशन दी थी एक्ट को पार्लियामेंट ने कब परमिशन दिया था आपने पढ़ा है कि के आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट बना दिया है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है क्या साथियों किसी भी रूप में आपको से दिक्कत हो रही है क्या क्या आपको किसी भी रूप में नेटवर्क में दिक्कत आ रही है क्या कमेंट करके बताएंगे दोस्तों नहीं दिक्कत आ रही है ठीक है साथियों मेरे वहाँ ये आ रहा था तो मित्रों आर के तहत क्या कहा गया कि हर वो बच्चा जो 6 से चौदह साल का है उसको हम लोग क्या करेंगे फ्री एजुकेशन देंगे फ्री एजुकेशन बच्चे ने कहा जब लेंगे तब तो दोगे तो हमने क्या कहा कैसे नहीं लोगे लेना ही पड़ेगा कैसे नहीं लोगे लेना ही पड़ेगा ये कंपलसरी है हमने कहा था कि आपको कोई बच्चा इधर उधर घूमता हुआ मिले तो आप उसको पकड़ के स्कूल लेके जाएं हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि तूने पढ़ के क्या कर लिया तो साथियों वहीं पर उसे छोड़ देना है क्योंकि उसको पता चल गया है कि इस पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा होता नहीं है तो ये कानून सरकार ने एटी अमेंडमेंट करके एटी अमेंडमेंट करके 2002 में 2002 में फंडामेंटल राइट right बना लिया था 2002 में मौलिक अधिकार बनाया था लेकिन एजुकेशन कौन से लिस्ट में आता है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसा लिस्ट जिसमें लॉ सेंटर और स्टेट दोनों को ही दोनों को ही कानून बनाना पड़ेगा तो राज्यों ने मना कर दिया कि भाई हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम इसको लागू करें हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम इसको लागू करें तो केंद्र सरकार ने कहा कोई बात नहीं जब आपको धीरे धीरे पैसा हो तो लागू करते चले जाना लेकिन करते करते लगभग छह साल सात साल बीत गए तो सरकार ने मजबूर होकर के 4 अगस्त 2019 को आर टी इम्प्लीमेंटेशन एक्ट पास किया और फाइनली इसे राज्यों ने एक अप्रैल 2010 को सभी राज्यों ने लागू कर लिया लॉ तो बन गया था 2002 में ही लेकिन इसको लागू कराने के लिए सरकार ने लॉ पास किया 2009 में और फाइनली ये लागू हुआ 2010 में और इसको जब 2002 में कानून बना तो एक राज्य था जो सबसे देश का सबसे समझदार राज्य कौन सा है जिसने एक अप्रैल 2003 को ही सबसे पहले लागू कर लिया देश का सबसे समझदार राज्य कौन सा साथियों हरियाणा तो सबसे पहले आरटीई को लागू करने वाला राज्य कौन सा था हरियाणा और एक अप्रैल दो को जिन भी राज्यों ने नहीं लागू किया था सबको लागू करना पड़ गया तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर टी ई कब आई आर किसने लागू किया चलो तो ये हो गया साथियों कि पार्लियामेंट ने कब लॉ पास किया था राज्यों को कब लागू करना पड़ गया कब कानून बनता है कितने तारीख को राज्यों ने बनाया देख रहे हो किस तरीके किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कई तरीके से क्वेश्चन ये अपने आप में अपने एक बेहतर क्वेश्चन है लेकिन हाँ आपके लिए इजी क्या है ईयर वाइज ईयर वाइज इजी है ये होता कि कब लागू किया गया तो आप साथियों क्या करते एक अप्रैल दो को लागू किया गया लेकिन राज्यों को लॉ कब बना दो में लागू करने के लिए लॉ कब बना इंप्लीमेंटेशन एक्ट इन एक्ट एक्ट दट इज फोर अगस्त 2009, थाउजेंड अगस्त 2009 को बना था चलें। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम कल हमने बोला था कि चाहे पेपर कोई सा भी हो पेपर कोई सा भी हो अगर 2019 और 2010 दोनों ऑप्शन में हो तो 2019 हजार कहा मैंने बोल दिया मेरे बच्चे नौ बोला है मैंने कहीं उन्नीस बोला है क्या नहीं नौ बोला है कह रहे दोनों हो तो अब क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा जैसे ये लैंग्वेज क्या था कि सरकारों ने कब लॉ पास किया ये होता है कब लागू किया वेन इंप्लीमेंटेड कब एक्सिक्यूट किया गया तो क्या करते हैं साथियों कब एक्सिक्यूट किया गया तो आप करते हैं इसको एक अप्रैल दो को एन ऑटोबायोग्राफी फ्रीडम किसने लिखी है यह देश के अब इसमें तो कोई क्लू आपको देंगे नहीं हाँ क्लू देंगे तब भी बात बन जाएगी बताइए ये सबसे योग्य व्यक्ति हैं भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के बाद सबसे योग्य प्रधानमंत्री यही हैं जवाहरलाल नेहरू चले ऑक्टोपस में कितने हर्ट होते हैं ऑक्टोपस में कितने हर्ट होते हैं ऑक्टोपस में कितने दिमाग होते हैं तो ऑक्टोपस में नाइन ब्रेन होते हैं है ना? हमारे पास एक ही है इसके ब्लड का कलर कितना कौन सा होता है तो ब्लड का कलर होता है ब्लू है ना तो ब्रेन पूछा जाए नाइन अब पूछा जा रहा है कितने हर्ट होते हैं आठ मुंह वाला व्यक्ति जो होगा उसको क्या कहा जाएगा ऑक्टोपस कहा जाएगा तो कितने होते हैं साथियों जल्दी 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 कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं सही जवाब सही जवाब सही जवाब सही जवाब मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दे दिया तीन होते हैं तीन होते हैं चलिए द प्रेजेंट डे कोलकाता बाय द देशन ऑफ यस कोलकाता को तीन गांवों को मिला करके बनाया गया था कलिकता गोविंदपुर एंड तीसरे गांव का नाम क्या था 1690 में देख रहे हो देख रहे हो क्वेश्चन का लेबल आप खेल लीजिए कितना भी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न आप कितना भी खेल लीजिए कि जो हम कराएंगे वही आएगा लेकिन साथियों ऑक्टोपस एक फीफा वर्ल्ड कप में भी फेमस हुआ था हाँ वो ऑक्टोपस बताया करता था कि कौन जीतेगा कौन हरा करेगा क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा भी हिस्ट्री समझ रहे हैं तो शायद कर पाए रिल एलिमिनेट करके कर सकते हैं सुतानती चले हम आपको एक एक क्वेश्चन आपके आगे से गुजार देंगे जो भी एस ने पूछे हैं इधर पिछले दो तो तीन सालों में सुदर्शन लेख ये तो कर लोगे यार कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के राजवंश में बनाया गया था बाद में बहुत सारे लोगों ने इसे रिफॉर्म किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बनाया था गिरनार में बाद में अशोक ने इसको री किया था बताइए रतन टाटा से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि कुछ इजी पेपर सेट करवाएं रतन टाटा से रिक्वेस्ट ना करें आप अपने लेवल को बढ़ाएं आप सही स्टडी करें सही दिशा में सही तरीके से आप बस कुछ भी करें मोबाइल को पढ़ने के अलावा अपने पास ना रखें ना रखें ना रखें आपके लाइफ बनती चली जाएगी गुजरात के गिरनार में चलिए देखो मैंने कहा था आपसे कि एक क्वेश्चन हर पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से संविधान के भाग से आ ही रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से जैसे पूछ रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज भारत के किस अनुच्छेद में है सॉरी किस पार्ट में है बताइए किस पार्ट में है ऑफिशियल लैंग्वेज हमने बताया था आपको कई बार लगातार पिछले तीन क्लासेस से हम पार्ट आपको बता रहे हैं और हमने कहा था कि यस आपको रटना ही होगा आर्टिकल थ्री फोर थ्री क्या कहता है देर सेल बी ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट बट इंग्लिश ऑल्सो ज एज अ ऑल्सो यूजेज एज अ एसोसिएटेड लैंग्वेज सहवर्ती भाषा के रूप में यूज किया जाएगा एज अ रोमन स्क्रिप्ट एंड नंबर विल बी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जैसे हम चार ऐसे लिखते हैं इंडियन में लेकिन ये वाला यूज करना है ये वाला यदि आप गाड़ी पे रखते हैं तो आप पे चलान कट जाएगा तो कौन सा साथियों पार्ट सेवेंटीन भाग सत्रह कितने लोगों ने सही जवाब दिया मोबाइल से क्लास ना करें मोबाइल से आप फेसबुक डिलीट कर दें मोबाइल से आप व्हाट्सएप डिलीट कर दें मोबाइल से लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब करके कर रखें टेलीग्राम मेरा तो अपना पर्सनल मानना है कि नहीं होना चाहिए बाकी करते हैं तो बेहतर है तो हमने कहा पार्ट सेवेंटीन है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आर्टिकल थ्री फोर थ्री से थ्री फिफ्टी वन तक यह आपको याद करना है मैं चाहता हूं कि ये आप रट डालें इस टॉपिक को इस टॉपिक को रट डालें बेहतर होगा चल दिल्ली में बता रहा हूं आपको यस विट इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि आपने बजट पढ़ा हो मेरे से तो आप बता सकते हैं नहीं भी पढ़ा है तभी आप याद करो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा कोई आप बिजनेस करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या रखेंगे जैसे पहला ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड क्वायर फिक्सड एसेट एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस यस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा आप कोई कंपनी खोल रहे हैं तो आपने कोई मशीन लगाया है तो यह आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट यदि बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो पैसे लगाए जाते हैं या निकाले जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और तीसरा साथियों कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट मोर देन अकाउंटिंग ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर का लाभ बाद के वर्षों में मिलता है चौथा कैपिटल एक्सपेंडिचर आर स्पेट ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड थोड़ा सा दिमाग लगाएं कर जाएंगे तो कौन सा साथियों कैपिटल एक्सपेंडिचर डेली खर्चे में नहीं आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि एसेट जनरेट करना कोई संपदा निर्मित करना जैसे कार खरीदेंगे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन कार के पेट्रोल पे खर्चा करेंगे तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है घर बनाएंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन उसके देख रेख के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे तो ये रेवेन्यू uh, एक्सपेंडिचर है सरकार स्कूल बनाए हॉस्पिटल बनाए फ्लाईओवर बनाए ये कैपिटल बजट है लेकिन सरकार उसके देख के लिए ऑफिसर्स नियुक्त करे ये रेवेन्यू बजट है सरकार सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए कार खरीद के लाए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है ये हमने आपको पढ़ा रखा है एनीथिंग बट खामोश अब देख लो किसका ऑटोबायोग्राफी होगा किसने खामोश के लिए कौन पॉपुलर है कौन खामोश वर्ड यूज किया करता है अपने लाइफ में मूवीज में खामोश ऐसा कहते हैं ना कोई आप में से एक्टिंग करते हो तो आप बेहतर समझ सकते हैं किसी दिन पांच रीट करवा दो रीट तो करवा रखा है दोस्त तो खामोश किसका टाइटल होगा शत्रुधन सिन्हा अभी विवेक ओबराय और सलमान खान की तो भी औकात नहीं ऑटोबायोग्राफी लिखने की खैर विवेक ओबराय लिख भी सकते हैं खाली है। राधे ने तो बदला ही ले लिया आज कहीं मैं पढ़ रहा था उसमें दिया था कि कोई मेरे पुलिस में जाकर कोई मुझे मारने की साजिश कर रहा है मेरे जान को खतरा है पुलिस ने कहा क्या हुआ ऐसा तो कहा जी किसी अनोन नंबर से मेरे व्हाट्सएप पे लिंक भेजा गया है राधे मूवी डाउनलोड करने का तो ये लेबल हो गया है साथियों दोस्तों अगला बताइए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट यस भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अच्छा आज जो है जीके के क्लास में हम रिसर्च सेंटर डिस्कस करने वाले हैं यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कल आपने देखा था बायरोलॉजी वाला क्वेश्चन आया हुआ था तो हम आपको आज इसमें पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं बस एक फैक्ट टाइप है रिसर्च सेंटर और इसका हेड ऑफिस रिसर्च सेंटर और हेड ऑफिस रिसर्च सेंटर और हेड ऑफिस थोड़ा थोड़ा कोई काम का पॉइंट होगा तो बताते चलेंगे और धीरे धीरे आप वो सीखते चलेंगे फिर एक दिन हम आपको जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं इसी तरीके से हम आपको जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारा का सारा डिस्कस करते चले जाएंगे बताइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक्ट कब आया है नेशनल डेयरी विकास बोर्ड कब लाया गया है कब लाया गया है ये जल्दी आपको बताना है जल्दी किसी का जवाब नहीं आया अभी तक किसी का जवाब नहीं आया इट इज अन्टीन एटी सेवन उन्नीस सौ डेरी करनाल में रेड डेरी रिसर्च सेंटर 1986, 1987, यस yes. करनाल वाला भी आज डिस्कस करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सी सी किसका कैपिटल केमिकल फॉर्मूला होगा टोपास डायमंड तो, तो आपने पढ़ा होगा कार्बन के अपरूप जो होते हैं कौन कौन से आपने पढ़े होंगे ग्रेफाइट पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा डायमंड तो डायमंड और ग्रेफाइट में से एक ही ऑप्शन में है तो क्या ऑप्शन होगा साथियों तो ऑप्शन वाइज डायमंड तो कुछ क्वेश्चन इतने इजी होंगे जिसको आप बेहतर करने की स्थिति में होते हैं एलोट्रॉप बोलते हैं कार्बन चलो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन देखो लगातार चार पेपरों में फाइनेंस कमीशन से ज़रूर क्वेश्चन रहा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड क्या था किस आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन में कुल कितने मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है प्रजेंट फाइनेंस कमीशन कौन सा है कब से कब तक है प्रजेंट फाइनेंस कमीशन का एक अप्रैल दो से इकतीस मार्च दो तक प्रजेंट वाले का चेयरमैन कौन है तो प्रजेंट वाले का चेयरमैन है डॉक्टर एन सिंह तो ये आपको याद रखना होगा पहले वाले का पूछा गया है तो पहले वाले का कौन था कैसी नहीं होगी फाइनेंस कमीशन क्या करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स के बंटवारे का कार्य करते हैं फाइनेंस कमीशन क्या करते हैं सेंटर को सजेशन देते हैं कि राज्यों के लिए आपको ए, क्या ए, कितना लोन देना चाहिए कितना ग्रांट देना चाहिए क्या फाइनेंस का रिलेशन रखना चाहिए सारा का सारा डिसाइड करने का काम उन्हीं का है ये सबके जवाब सही है आप में से चले बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन द ओपनिंग वर्ड ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना ओपनिंग वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग एक भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम हम बोलते हैं प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है तो आप बोलते हैं यूएसए से लैंग्वेज ऑफ पियम्बल कहाँ से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लेकिन जो फॉर्मेट है शुरुआत का वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वैसे ही हमारे पास वी द पीपल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग चले इश्ट प्रोड्यूस गैस डूरिंग रेस्पिरेशन यस खमीर किस गैस को प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान यदि आप जानते होंगे कि खमीर इश्ट क्या है लिविंग थिंग्स में है क्या लिविंग थिंग्स में है तो ऑटोमेटिक क्या प्रोड्यूस करेगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड यस ओजोन लेयर ओवर सरफेस इज आप पॉइंट पौ पिछले तीन क्लासेस से लगातार ओजोन वाले पे क्वेश्चन रह रहा है ओजोन पे लेयर कहाँ पाया जाता है ओजोन लेयर तो कौन सा कैंसर होगा ओजोन लेयर का लेंथ कितना होता है ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी होती है ओजोन लेयर को मेजर करने का यूनिट क्या होता है तो बताइए पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत लगभग कितनी मोटी है एवरेज आइडिया लगाइए ये।, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है एक बच्चे का सही जवाब आया है दैट नेम इज द शुभम जाटवा शुभम ने सही जवाब दिया है शुभम ने सही जवाब दिया है और शुभम को देख करके बाकी लोगों ने भी सही जवाब दे दिया है सिक्सटीन सेप्टेम्बर को ओजोन डे मनाते यस ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा लॉ है बताइए कल परसों बताया था Ozone को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं साथियों नामक यूनिट का यूज करते हैं और ये किसके बराबर होता है टूट नाइन पॉइंट पावर सिक्सटीन मोलिकूल के बराबर होता है यस विच ऑफ द फॉलोइंग इस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द एल्कोहलिक ब्रबरेज एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस खमीर का यूज किया जाता है अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे बाकी बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाए गए हैं इस बार बताइए क्या मिक्स लेटिक्स है किप्टोकोकस न्योफार्म है पिचिया पेस्ट्रीज है सेक्सोमाइसिस सेरवियस है जल्दी जल्दी एक बच्चे ने सही जवाब दे दिया दो ने सही जवाब दिया तीन ने सही जवाब दे दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यस, गुड सबका जवाब सही है ये चल। अब देखो क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है क्या क्या इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं क्या विनेश सेरेना विलियम्स ने अपना पहला फर्स्ट ग्रैंड स्लैम का जीता था है ना सत्रह साल की उम्र में जीत ली थी इन्होंने। तब ये मेरे मुझे मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप ये करेंगे आंसर लेकिन यदि आप ये कर सकते हैं तो बेहतर है और नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन हो ऐसे क्वेश्चन हमने स्किप करना है यही वे क्वेश्चन है जो आपसे एग्ज़ाम में गलत कराते देखो ये क्वेश्चन तीन चार पेपर पहले भी आया था यानी सेम एग्जाम में पेपर में एसएससी कुछ क्वेश्चन को रिपीट भी कर देती है क्वेश्चन को रिपीट भी कर देती है एंड फीमेल लायन एंड मेल टाइगर से जो संतान उत्पन्न होगी उसको क्या कहा जाएगा फीमेल लायन और मेल टाइगर इसको क्या कहेंगे साथियों लाइगर कहेंगे चल ये एक चैप्टर हमने स्टैटिक में ऐड कर दिया है आज ऐसे हर पेपर के बाद कोशिश कर रहे हैं दो दो तीन तीन चैप्टर और बढ़ जाए बताइए फ़ियर ऑफ हाइट हालांकि ये आपको पता होगा आप वन वर्ड सब्स्यूशन में आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में यदि नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए आपको यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, है। चलिए सबका जवाब सही है सबका जवाब सही है गुड गुड एक्रोफोबिया चल अ बुक रिटर्न बाय चित्रा बनर्जी दिवाकर ने इज अ रिमेनिंग ऑफ महाभारत टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द पंचाली और द्रौपदी चित्रा बनर्जी दिवाकर निंद लिखित एक पुस्तक महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें द्रौपदी के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है अब देखो ये भी अपने आप में एक बदमाशी वाला क्वेश्चन है है ना जहाँ पर यह बताया गया है कि इस बुक में ऐसी बात की गई है हालांकि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो लेकिन क्या दिमाग लगाओगे सब कुछ वैसा ही है स्टोरी ऑफ द्रौपदी अब मैं सारी बुकों का समृत तो लिख सकता हूँ क्योंकि यदि एक बुक में मैंने बुक के चैप्टर में पांच सौ के आसपास बुक डाली है पांच सौ के पांच सौ का थोड़ा थोड़ा समरी लिखने लगे तब भी नहीं खत्म होगा चले प्राकृतिक मीठा कौन सा है इसमें से प्राकृतिक नेचुरल प्राकृतिक नेचुरल स्वीटनर इज बताइए नेचुरल कौन सा है एबस्ट्रेम सुक्रोज सुक्रलोज सैक्रीन चलो ये तो आसानी है नेचुरल तो कौन सा साथियों सुक्रोज एनिमोफिली रेफर्स टू पोलिनेशन बाई पोलिनेशन की प्रक्रिया दो तरीके से हो सकती है एक पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है फ्लावर जो है उन पे हवा आया और वहां से बीज जगह जगह बिखर गए तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे एनिमोफिली और एक होता है इंसेक्ट्स के द्वारा कोई किसी ने कोई जानवर ने कुछ खाया और उससे जो इंसेक्ट से जो उत्पन्न हुआ उसको हम क्या कहेंगे इंटोमोफिली है ना तो ये दोनों क्वेश्चन आते रहते हैं तो विंड के थ्रू होने वाला एनिमोफिली जानवर के द्वारा होने वाला इंटमोफिली तो ये क्वेश्चन आपको जानना चाहिए उसका आंसर डी था नेक्स्ट स्लाइड में हा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी <laughs> ये ब्लेंडर हो जाता हर बार <laughs> थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद हम देखते नहीं ना हम अपना भी के ठीक कर रहे होते आप लोग के दम पे ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस इज अफेक्टेड द बताओ ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया किसको प्रभावित करेंगे ये तो आपको बताना चाहिए ऑप्शन देख के आप कर लेंगे गठिया होता है तो किस में दिक्कत होता है त्वचा का रंग बदल जाता है खून का रंग बदल जाता है किसी को चलने बैठने उठने खड़ा होने में दिक्कत हो जाता है या दांत में दर्द शुरू हो जाता है बताइए नहीं सुनते उनको गठिया हो गया तो कौन से साथियों बोन्स और ज्वाइंट में प्रॉब्लम आया जाता है हड्डियों और जोड़ों में गठिया का सर्तिया इलाज किया जाता है ऐसा आप देखते होंगे क्या ये क्वेश्चन किया जा सकता है हाँ ये किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द कोडवास? नहीं किया जा सकता यार मुझे लगा हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ स्टेट पूछ रहा है क्या आप इस क्वेश्चन को करना पसंद करेंगे क्या आप इस क्वेश्चन को करना पसंद करेंगे बताइए कोई आप में से जो किसान परिवार से हो और आपको लगता हो कि यस आप कर देंगे इस क्वेश्चन को तो ये कोथारी सॉरी पुथारी इज द न्यू टाइप ऑफ राइस नया प्रकार का राइस है मैं जान उसके क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ ऐसे क्वेश्चन ताकि आप ये समझ पाएं कि जीएस में बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है लिमिटेड वर्जन में आपने स्टडी करनी है बस शर्त यह है कि प्रैक्टिस ज़्यादा जरूर करना है सिर्फ पढ़ते ही रहे से बात नहीं बनेगी मैं आपसे पहले शुरू से कह रहा हूं एक बच्चा है जो दस घंटे पढ़ता है और एक है जो चार घंटे पढ़ता है लेकिन एक सेट डेली मारता है प्रैक्टिस जरूर करता है तो आप देखेंगे छह महीने के अंदर वो जो दस घंटे पढ़ता है उसमें और जो चार घंटे पढ़ता है लेकिन एक सेट मारता है उसमें अंतर आ जाएगा गुरुकुल का पहला और मेन शर्त हम लोगों ने क्या रखा था टेस्ट लेंगे डेली 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 अब मैं लॉकडाउन में बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा लेकिन मैंने अभी देखा कुछ दिन पहले कि किसी बच्चे को मैं एडमिशन नहीं दे रहा था तीन बार आया तीनों बार वापस हमने भेज दिया चौथी बार कि नहीं सर अब तो मैं आ ही गया समान उमान कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा आप चाय भगा दीजिए क्यों उसके नंबर कम आते थे लगभग पैंतालीस पचपन और लगभग एक नंबर आने लगे सिर्फ डेढ़ सौ महीने में तो मैंने ऐसा देखा कि ऐसा हुआ क्या तो धीरे 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 उसको ट्रिक समझ में आने लगी कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं कौन से करने हैं कौन से अटेम्प्ट लेने हैं सेम यही चीज़ आपको करने की जरूरत है आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे गड़बड़ा जाएंगे और सिर्फ पढ़ते रहेंगे अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी फोक थिएटर बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा निम्नलिखित में से कौन सा भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक राग मंच है तो ये तो कर ही लोगे नौटंकी तमाशा माच रासलीला बताओ भगवान कृष्ण के जीवन पर संबंधित ऐसे क्वेश्चन कितने आते हैं एग्जाम में स्किप करने वाले सर जवाब क्यों नहीं देते ऐसे कौन से जवाब हैं जवाब आपके नहीं दिएगी आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम है आप दम्बिवाल सर को फॉलो करिए बिना किसी दिक्कत के इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं होगी जिंदगी में आपको घर में किसी की भी पढ़ाई नहीं हो रही है से भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ट्वेल्व अप्रैल एट में स्थापित किया गया इसे कब लीगल दर्जा प्रोवाइड किया गया वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया बताइए वैधानिक दर्जा हमने कब प्रदान किया था बोलिए जल्दी से सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट वो होता है जहां पर एक साल से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम सामान्य बोलचाल में शेयर मार्केट कहते हैं मुंबई में इसका हेड ऑफिस है मुंबई में इसका हेड ऑफिस है तो नाइन ट्वेल्व अप्रैल 1988 में यह स्थापित किया गया पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता था लेकिन बाद में 1992 में इसे इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल दर्जा प्रोवाइड कर दिया गया चलिए कोई निकम्मा कर रहा बान बे, बान बे है नौ सौ बानवे नौ सौ बानवे है ऑप्शन में ऐसे मत करो मत करो मत करो इन नाइनटीन थर्टीन बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू लिटरेचर यस हमने कहा था कि फर्स्ट एशियन जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था वो कौन से हैं, हैं। तो पहला एशियन जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था वो कौन से थे दोस्तों दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर द फर्स्ट पर्सन याद करिए हमने पढ़ा रखा है आपको नोबेल वाले में कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के एल पी या के एल आई पी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन सिचुएटेड इन विच स्टेट बताइए किस स्टेट में है द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के एल आई पी किस स्टेट में है बताए दोस्तों किस स्टेट में है यह आपको बताना चाहिए इन विच स्टेट जल्दी बताइए कलेश्वरम तो कहाँ पे साथियों? तेलंगाना में तेलंगाना में यह स्थित है किस पर गोदावरी रिवर पर किस पर गोदावरी नदी पर चल। यस द इंडियन हॉकी फेडरेशन वाज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी ये अपनी बुक में है जितने इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको हमने स्पोर्ट्स वाले डाल रखे हैं ये मिलेगा आपको इसके लिए आपको परेशानी होना और ना आप इस क्वेश्चन को ऐसे कह सकते हैं कि ये नहीं करने वाला क्वेश्चन नहीं है हालांकि टफ है ये याद कर पाना ये तो याद हो जाएगा कि हाँ इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है लेकिन कब इस्टेब्लिश हुआ यह बता पाना है अपने आप में एक टफ टास्क है तो कब साथियों 1925 1925 चलिए यस yes. भारत का पहला अखबार द बंगाल गजट है ना फर्स्ट अखबार जो हमारा था इंग्लिश में द बंगाल गजट था इसे किसने लिखा है ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा कई पॉपुलर क्वेश्चन है इट वाज रिटन बाय जेम्स आगस्टस हिक्की अच्छा हिंदी में कौन था उदंड मार्तन 1948 से 2005 तक म्यांमार की राजधानी क्या थी मांडले सॉरी यांगून अब क्या है इनकी राजधानी अब क्या है इनकी राजधानी न्यापिड नहीं चलिए विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या अभी गुरुकुल स्टार्ट है क्या नहीं अभी गुरुकुल स्टार्ट नहीं है गुरुकुल अभी कैसे स्टार्ट हो सकता है अभी नहीं हो सकता तो किस आर्टिकल में साथियों तो आपने देखा था आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन ये फोर्स लेबर एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन था 23 थ्री इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब राइट टू एक्सप्रेशन तो बस कौन सा गया आर्टिकल ट्वेंटी वन चले यस yes. बुरी बुट यालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच ट्राइप ऑफ अरुणाचल प्रदेश देखो ये भी अपने आप में एक टफ है हालांकि ये अपने नोट्स में है नया वाला जो आया है लेकिन क्या इस तरीके क्वेश्चन याद हो भी पाएंगे क्या हाँ ये यदि आपको पता हो कि इसमें से कौन सा ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जीके के बुक पर कोई अपडेट जीके के बुक आपको जून के लास्ट तक आपके पास होगी आप टेंशन फ्री रहें तो कौन सी जाति साथियों नाइशी चल अब देखो ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक फालतू क्वेश्चन है विच वन इज नॉट सिचुएटेड इन पटियाला क्या सारे याद करना पॉसिबल है क्या आपने मोन्यूमेंट्स में पढ़ाए तो जवाब है नहीं इतने मोन्यूमेंट्स इतने बिल्डिंग हैं, कहाँ से कर सकते हैं नहीं कर सकते है? कौन सा किला गोविंदगढ़ कहा पर साथियों? अमृतसर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो घबराना नहीं है इसमें आपको बोनस मिलेगा क्योंकि नाइन्टी परसेंट बच्चे कर नहीं पाएंगे कुछ लोग लेकिन तुक्का जरूर मारेंगे लास्ट लास्ट पेशवा अच्छा द ट्रिटी ऑफ वाज ओके बिटवीन ब्रिटिश एंड सूरत की संधि किसके किसके बीच की गई थी आप जानते हैं कि 6 मार्च 1775 में ये ट्रीटी की गई थी पहले मिड के जून में था अब जून के लास्ट में ऐसा बोल रहे हैं क्या करे मेरे भाई दोस्त जब हमें लगता है कि हमें और आपके साथ और क्वालिटी देने की ज़रूरत है तो हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं हम ये चाह रहे हैं कि आपका ये टेंशन ना खत्म टेंशन ना रहे जी स्टैटिक जीके को तो लेकर के रघुनाथ राव वाज देशवा चल एम एस मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार फसलों के उत्पादन से पूर्व ही प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर दे ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई नुकसान न हो दिक्कत न हो इस बात को लेकर के अभी देखे होंगे किसान यही बार और मूवमेंट करते कि हमारा एमएसपी नहीं खत्म होना चाहिए अभी ट्वेंटी फोर क्रॉप्स का एमएसपी डिसाइड होता है कौन डिसाइड करता है सी एस सी पी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पार्ट है या उसी के तहत काम करते हैं और इस दिए गए रेट पर ही एफ के गोदाम खरीदा करती है इसमें पूरी क्या साजिश है कैसे इस सारा का सारा हमने आपको पढ़ाया था तो किस रिवोल्यूशन के बाद हुआ होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद चल ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद करें ऑनलाइन टीचिंग इज बोरिंग ऑनलाइन टीचिंग तो बोरिंग है ये तो हम कहें तुम तो ये कहो कि ऑनलाइन वॉचिंग इज बोरिंग थोड़ा टाइम निकाल के पंद्रह दिन पहले ला दीजिए अरे टाइम ही निकालने के चक्कर में तो सारा छोड़ना पड़ गया कोचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटर्न बाई जेके रोलिंग कौन सा बुक जेके रोलिंग के द्वारा नहीं लिखा गया है ये आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन विजार्ड ऑफ अर्थ सी पृथ्वी और समुद्र के जादूगर यह नहीं लिखा है हैरी पॉटर बुक आर नॉट एपिक ओपिनियन ऑफ द बुक देंग फॉर्म और एथनिक कल्चर फॉर्म यस जाति संस्कृति किस राज्य से संबंधित है बताइए किस राज्य से संबंधित है शेंग किस राज्य से संबंधित किस साथियों नागालैंड जो ना पता हो लिख लेंगे ये नहीं सोचेंगे कि स्किप कर दिया तो बाद में नहीं आएगा कई बार ऐसे क्वेश्चन है जो मैं देख रहा हूं कि जो हम लोग कहते थे यार ये तो कैसे याद होगा वही आया अगले पेपर में तो ये जरूर कोशिश करें कि जो आपको नहीं पता हो लिखे नहीं सीख जानते थे लेकिन अब जानना है ये नहीं कि देखना है छोड़ना है देखना है, छोड़ना मान लो यही आ गया तब तो उसमें दिमाग दिमाग के साथ क्या है उसको मैसेज दे रहा हो कि ये तो नहीं होगा तो नहीं लेता है कहो ये आप आगे तो मैं जरूर करूंगा तो ये आप लिख लिया करें देखा करें हम इसीलिए बहुत धीमे भी रहते हैं लास्ट पेशवा पेशवा ऑफ मराठास का अंतिम कौन था जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ जिसके बाद मराठा समाप्त हो गए 1817 में तो कौन था ये ये आपको बताना है तो जो भी आपको ना पता हो मित्रों उसको लिखा जरूर करें तो कौन था लास्ट मराठा साथियों तो बालाजी राव सेकेंड निशाना नहीं चुका है रिश्ता बीच में आ गया है ना बालाजी राव सेकेंड चले सर जो येलो बुक में एरर्स हैं वो वाले पेपर्स करा दो हाँ ये बात भी है दिल्ली पुलिस वाले में है वैसे वो मैंने ठीक कर दिया है तो अगले इस वीक से चलो फिर दिल्ली पुलिस वाला ही शुरू करते हैं मैंने तो वैसे कुछ और बोला था उनको पहले एरर वाला ही शुरू कर देते हैं ठीक कह रहे हो उसमें पचास क्वेश्चन भी है तो आ, ये आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे अभी साढ़े दस बजे एक गैप के बाद रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया भारत के रिसर्च सेंटर चल मूवी का डेलग तो बखूबी याद है हम आज भी एक साउथ की मूवी देखते हैं डेली <laughs> मूवी हमारा एक हॉबी कर लीजिए तब तक हम मूवी ना देखें तब तक दिन पूरा नहीं होता है हर किसी को अपने जीवन में कुछ शौक रखने चाहिए आपका शौक होगा आप किसी को बाबू सोना मुन्ना को व्हाट्सएप बाय टेक केयर तो हमारा एक शौक है मूवी देखने का चले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद गुड नाइट टेक केयर बाय